गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू योर सिक्स चैप्टर जिसके हम मामा हैं। ओके, इसके जो लेखक है वो कौन है? शरद जोशी हैं। इन्होंने इसमें क्या बताया है? इन्होंने मतलब एक लेख लिखा है और इस लेख के माध्यम से समाज और राजनीति में जितनी गिरावट होती है, मतलब कि लोग किस हद तक पहुँच जाते हैं राजनीति के अंदर, उस पर व्यंग्य किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। एक सज्जन वाराणसी पहुँचे और स्टेशन पर उतरते ही एक लड़का दौड़ता हुआ उनके सामने आया। मामा जी, मामा जी, और लड़के ने लपक कर उनके चरण छू लिए। मतलब कि जो लेखक थे उन्होंने क्या किया, मतलब कि वो वाराणसी पहुँचे थे और वाराणसी जैसे ही वो स्टेशन पर पहुँचे, सामने से एक लड़का दौड़ता हुआ आया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मामा जी, मामा जी, और फिर तुरंत उनके चरण छू लिए। वे पहचाने नहीं, बोले तुम कौन हो? मतलब कि उन्होंने उसे, जो लेखक थे उन्होंने उस लड़के को नहीं पहचाना और वो क्या कहते हैं कि बताओ तुम कौन हो। तब वो लड़का क्या कहता है, मैं मुन्ना हूँ, आप पहचाने नहीं मुझे। तब लेखक क्या बोलते हैं, मुन्ना? फिर वो थोड़ी देर सोचने लगे और कहते हैं, कौन मुन्ना, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब जो लड़का होता है, जो मुन्ना होता है, वो क्या बोलता है, हाँ मुन्ना, भूल गए आप मामा जी, खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए हो। मतलब कि वो क्या कहते हैं कि हाँ मैं मुन्ना हूँ, क्या आप मुझे भूल गए हो? फिर वो खुद ही कहता है, चलो कोई बात नहीं, इतने सालों से आपने मुझे देखा है, शायद आप भूल ही गए होंगे। तब वो मामा जी उनको क्या कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे, मैं आजकल यही हूँ। मतलब मामा जी उस मुन्ना को क्या बोलते हैं कि तुम यहाँ कैसे हो? तब मुन्ना क्या बोलता है कि मैं इतने दिनों से यहीं पर हूँ। तब मामा जी कहते हैं, अच्छा। तब वो कहता है, हाँ। फिर मुन्ना क्या कहता है, मामा जी, अपने भांजे के साथ क्या आप वाराणसी घूमेंगे? चलो कोई साथ तो मिला, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, फिर पहुँचे गंगा घाट, सोचा नहा ले। मतलब कि वो मुन्ना होता है वो अपने मामा जी को क्या बोलता है कि मामा जी आप यहाँ आ गए हो तो क्या आप अपने इस भांजे के साथ यहाँ घूमना पसंद करोगे? तब जो लेखक होते हैं, जो मामा जी होते हैं, वो क्या कहते हैं, हाँ हाँ, जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं तुम्हारे साथ घूमना ज़रूर पसंद करूँगा, मुझे यहाँ पर एक कंपनी मिल गई है तो मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ घूमूंगा। फिर क्या कहते हैं मामा जी कि चलो हम घूमने चलते हैं। तो फिर कभी वो दूसरे मंदिर जाते हैं, फिर दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर जाते हैं और ऐसे करके वो लास्ट में गंगा घाट पर पहुँचते हैं। गंगा घाट पर पहुँचने के बाद वो लोग क्या सोचते हैं कि चलो इसमें नहा लिया जाए। तब वो मुन्ना से कहते हैं कि मुन्ना क्या हम यहाँ नहा लें? तब वो मुन्ना क्या कहता है कि जरूर नहाइए मामा जी, वाराणसी आए हैं और इसमें ना नहाएं, ऐसा कभी हो सकता है? हमें तो यहाँ नहाना ही पड़ेगा। तो मामा जी ने क्या किया, मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई और क्या कहते हैं, हर हर गंगे, ऐसे वो तीन चार बार बोलते हैं और उसमें डुबकी लगाते जाते हैं। और फिर बाहर निकलते हैं तो सामान गायब, कपड़े गायब और लड़का भी गायब। ठीक है, मतलब कि जैसे ही वो उसमें डुबकियाँ लगा कर बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं, तो देखते ही अचानक उन्हें क्या दिखाई पड़ता है कि उनका जो सामान था, उनके जो कपड़े थे, वो सारा का सारा वहाँ से गायब हो चुका है। और जो इतने टाइम से उनको मामा जी बोले जा रहा है, वो मुन्ना भी वहाँ से गायब हो चुका है। मतलब कि उनका वो भांजा वहाँ से गायब हो चुका है। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, मुन्ना, ए मुन्ना। मगर वहाँ मुन्ना मिले तो ही ना, उन्होंने इतनी आवाज़ लगाई उस मुन्ना को, अपने प्यारे से भांजे को, लेकिन उनका प्यारा सा भांजा उनका सामान लेकर गायब हो चुका था और वो बेचारे मामा जी तौलिया लपेट कर गंगा घाट पर खड़े थे। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा है? मतलब कि वो क्या कहते हैं, वो वहाँ दूसरे लोगों से पूछते हैं कि क्या हुआ भाई साहब, आपने कहीं मुन्ना को देखा है? तो वो दूसरे जो लोग होते हैं वो उनको पूछते हैं कि कौन मुन्ना। तब वो जो लेखक होते हैं, जो मामा जी होते हैं, वो क्या कहते हैं कि अरे वही मुन्ना जिसके हम मामा जी है। तब वो जो आदमी होता है वो क्या कहता है कि मैं समझा नहीं। तब वो जो मामा जी होते हैं वो कहते हैं, अरे हम जिसके मामा है ना, वही मुन्ना। वे तौलिया लपेट कर इधर से उधर दौड़ते रहते हैं लेकिन उनको वहाँ पर मुन्ना नहीं मिलता। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी भी यही स्थिति होती है। चुनाव का मौसम आता है, हमारे चरणों में गिर जाते हैं, मुझे नहीं पहचाना, मैं इस चुनाव का उम्मीदवार होने वाला MP, मुझे नहीं पहचाना। मतलब कि लेखक ने किस चीज़ पे व्यंग्य किया है, लेखक इस स्थिति से
उस स्थिति का वर्णन करें, यानी कि जब चुनाव का मौसम आता है, चुनाव की टर्न आती है, उस वक्त क्या होता है, जो उम्मीदवार होते हैं, जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों के घर घर जाते हैं और लोगों के घर जाकर उनके आगे हाथ जोड़ते हैं और उस वक्त उन्हें बोलते हैं, क्या हुआ, आपने हमें पहचाना नहीं, हम तो यहाँ के होने वाले MP है, हम इस चुनाव में खड़े होने वाले हैं, हम उम्मीदवार हैं, ठीक है, क्या आपने हमें पहचाना नहीं, हमारा तो इतने सालों का रिलेशन है। इस तरीके से वो उनको बहकाते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, अलग अलग रिलेशन बना लेते हैं उनके साथ में, और फिर जब उन फिर उनसे क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों का वादा करते हैं कि हम अगर ये हम MP बन गए, मेंबर बन गए, जो भी हम बन जाएंगे, मतलब कि जिस पोस्ट पे हम खड़े हुए हैं, अगर हम वो हम बन गए तो क्या करेंगे, हम जितना भी ये काम होगा वो करवा देंगे, हम ये करवा देंगे। लेकिन असल में होता क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चुनाव जीतने के बाद में वो लोग क्या करते हैं, इस तरीके से गायब हो जाते हैं जैसे वो कभी हमारे सामने आए ना हो। आज प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं, बाहर निकलने पर आप देखते हैं कि वह शख्स जो कल आपके चरण छूता था, आपका वोट लेकर गायब हो गया है, वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया है। मतलब कि वो लोग हमारे पास वोट मांगने के लिए आते थे और वो जीत जाते हैं, उसके बाद में अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते हैं और जितने भी हमसे जो वादे वगैरह करते हैं वो सारे के सारे भूल जाते हैं। समस्याओं के घाट पर हम तौलिए लपेटे खड़े रहते हैं, सब पूछ रहे होते हैं, क्यों साहब है, कहीं आपको नजर आया, अरे नहीं, जिसके हम वोटर है वही जिसके हम मामा है। मतलब कि चुनाव जीतने के बाद में हमारे पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम लेकर किसके पास जाते हैं, हम उनके पास जाते हैं जिन्होंने हमसे वादा किया था, हम उम्मीदवार के पास जाते हैं जो चुनाव जीत चुके थे, और फिर उन्हें हम अपनी समस्याएं बताते हैं तो वो हमसे मिलते नहीं हैं और फिर वो हमारी समस्याओं को सुनते भी नहीं हैं और हम अपनी समस्याएं लेकर वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स का कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन नज़र नहीं आता। ओके, तो मतलब ये इन्हीं पे व्यंग्य कर रहे हैं कि जो उम्मीदवार लोग होते हैं वो हमारे साथ ठीक ऐसे ही करते हैं, पहले तो हमारे पास आते हैं, हमारे चरणों तक में गिर जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में वो हमें पूरी तरीके से भूल जाते हैं। जो भारतीय नागरिक होते हैं और जो वोटर होते हैं उनकी स्थिति बहुत ही मतलब दयनीय हो गई है, क्योंकि चुनाव में नेता लोग क्या करते हैं, अलग अलग रिश्तों की दुहाई देते रहते हैं और फिर अपना काम सिद्ध करवाते हैं और जीत जाते हैं और फिर उन्हीं लोगों को वो पहचानते नहीं हैं जिसके चरणों में वो वोट मांगने के लिए गिरे हुए थे। नेता अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए रहते हैं, नेता जो होते हैं वो हमेशा अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए रहते हैं, उन्हें कभी भी किसी और चीज़ों से या और लोगों से मतलब नहीं होता है। ओके, योर चैप्टर इज कम्प्लीट, नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। Read the chapter and do word meaning in fair notebook and find question answer. Okay, thank you.